ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4, श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति, श्लोक क्रमांक 186। प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदिर ना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। शब्दार्थ प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रेमेर भगवत प्रेम का एई यह स्वभाव स्वाभाविक आचार व्यवहार निज अपना दुख दुख विघ्न विघ्न आदिर आदि ना नहीं करे करता है विचार विचार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ये श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को बता रहे हैं। उत्कट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तात्पर्य जिन लोगों में कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम का विकास कर लिया है, उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे अपनी निजी असुविधाओं तथा विघ्नों की चिंता नहीं करते। ऐसे भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि रूपी गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ तक कि घोर संकट आने पर भी वे दृढ़ संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते हैं। इससे निश्चित रूप से सेवक का उत्कट प्रेम सिद्ध होता है। जैसा कि श्रीमद्भागवतम 10.14.8 में कहा गया है, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानु। जो मनुष्य भवबंधन से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, जिन्होंने उत्कट कृष्ण प्रेम विकसित कर लिया है, वे भगवत धाम लौट जाने के लिए सुपात्र हैं। कृष्ण का उत्कट प्रेमी कितने भी असुविधा अभाव बाधा या दुख की चिंता नहीं करता। कहा जाता है कि जब किसी को किसी उन्नत वैष्णव में दुख या शोक दिखे तो वास्तव में दुख या शोक नहीं अपितु दिव्य आनंद होता है। शिष्टाष्टकम 8 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उपदेश दिया है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम। कृष्ण का उत्कट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले ही उसके समक्ष कितनी ही कठिनाइयाँ तथा व्यवधान क्यों ना आए। ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजनन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरो श्रीपदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगणगुणातान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी श्री गौर पूर्णिमा उत्सव आने वाला है, तो आने वाले कुछ दिनों में
हम चैतन्य महाप्रभु की लीला और उनकी शिक्षाओं से चर्चा करेंगे। तो आज का जो श्लोक है वो विशेषकर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, उनका जो प्रकट लीला है, उनका जो जीवन है, उसके आधार पर चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को ये श्लोक बता रहे हैं। तो इस श्लोक का जो परिप्रेक्ष्य है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और संन्यास लेने के बाद पुरी जाते हैं और पुरी जाने के रास्ते में अलग अलग तीर्थ स्थान में होके गुजरते हैं। तो वहाँ पर वो रेमुना पहुँचते हैं और रेमुना में श्रीपाद माधवेंद्र पुरी उनकी जो भक्ति है, भक्ति में सेवा है, उसका वो वर्णन करते हैं। उस समय ये श्लोक का वृत्तांत आता है। तो बहुत ही दो लाइन में पूरा भक्ति का जो सार है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। इसीलिए जो चैतन्य चरितामृत है वो क्या है, वो PhD ग्रंथ है। जैसे अंडर ग्रेजुएट है भगवद गीता, पोस्ट ग्रेजुएट है श्रीमद् भागवतम और PhD जो स्टडी है भक्ति का वह है श्री चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही बंगाली सरल भाषा में जो भक्ति के गूढ़ विषय हैं, गूढ़ सिद्धांत हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं। तो बहुत जो इसमें श्लोक हैं बहुत ही सरल लग सकते हैं और पढ़ने में भी, उसको गाने में भी बहुत आसान है, लेकिन उसमें जो मर्म छुपा हुआ है, उसमें जो सिद्धांत छुपा हुआ है वो क्या है, बहुत ही टॉप मोस्ट है, बहुत ही उन्नत स्तर का है। तो यहाँ बताया जा रहा है, प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। तो जिनमें कृष्ण भक्ति उदय हो गई है और कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा में धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जिनमें प्रेम उदय हो गया है, और प्रेम उदय होने का अर्थ ये नहीं है कि एक दिन कुछ भी प्रेम नहीं होगा और सुबह जब उठेंगे तो हृदय में प्रेम आ जाएगा, या अचानक हम कुछ कार्य कर रहे होंगे और कार्य करते करते एकदम से प्रेम उदय हो जाएगा। उसके अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, अलग अलग डिग्रीज होती हैं। किसी में प्रेम कुछ मात्रा में है, किसी में थोड़ा सा और अधिक है, किसी में और उन्नत है, किसी में और उन्नत है, और किसी में पूरी तरह से वो विकसित हो चुका है, है ना। जैसे कि एक पुष्प है, तो पुष्प में, पुष्प का जो शुरुआत है उसमें थोड़ा सा एक कली है, फिर कली थोड़ा सा खिलना चालू होती है तो उसमें सुगंध आती है, थोड़ा और खुलती है और खिलती है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है, पूरी तरह से वो पुष्प खिल जाता है। तो जो पूरा पुष्प खिला हुआ है वो प्रेम है। तो इसी तरह से जो प्रेम की अभिव्यक्ति है वो किस तरह से प्रकट होती है वो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं। तो प्रेम की केवल बात करने से या प्रेम बोलने से, है ना, या प्रेम की चर्चा करने से प्रेम नहीं आ जाता, या प्रेम है वो पता नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। तो भगवान की सेवा करते समय और भगवान की सेवा जो गुरु के माध्यम से हमें प्रदान की गई है, वो सेवा करते समय जो दुख विघ्न आएंगे, कैसे दुख और विघ्न, जो स्वयं के हैं, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। उस पर जो भक्त है, ऐसा भक्त जिसमें प्रेम का उदय हुआ है, वो इन सब पे विचार नहीं करेगा। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कोई विरक्त जीवन लेता है या वैरागी का जीवन लेता है तो कुछ चीज़ को छोड़ता है, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये अवधारणा क्या है, एक तरह से गलत है। तो अगर कोई किसी चीज़ को छोड़ता है तो उससे उच्च कोई वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए वो छोड़ता है, है ना। तो अगर कोई विरक्ति का जीवन ले रहा है, है ना, वैरागी का जीवन ले रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसे और कुछ उच्च चीज़ प्राप्त करना है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, है ना। हर व्यक्ति सबसे उच्चतर से उच्चतर से उच्चतम प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो प्रभुपाद जी वहाँ उदाहरण देते हैं षट गोस्वामियों का, त्यक्त्या तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। तो रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं,
तो ये बहुत, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई ट्रेजरर है ना, या कोई बहुत ही बड़े जमींदार के पुत्र हैं, तो उन्होंने सब छोड़ दिया है ना। तो छोड़ा क्यों? क्योंकि इससे उच्च कुछ प्राप्त होने वाला था, है ना। कोई व्यक्ति ऐसी पागलपन में ऐसे नहीं छोड़ देता है। अगर उसको पता है कि कोई चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ तो छोड़ने से मुझे कुछ उच्च चीज़ प्राप्त होगा, तभी वो छोड़ेगा। ऐसे नहीं कि छोड़ के कुछ निम्न प्राप्त होगा उसे, है ना। तो उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो सेवा करते हैं, तो सेवा करते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना। अपने मन से समस्या होती है, शरीर से समस्या होती है, आसपास के लोगों से समस्या होती है, अभक्तों से समस्या होती है, परिस्थितियों से समस्या होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार, वो अपनी सेवा में बहुत क्या होता है, स्थिर होता है, यतन तस्या दृढ़व्रता। तो अपनी सेवा में क्या होता है, बहुत वो फिक्स होता है, दृढ़ संकल्प होता है। वो किसी के बोलने से निरुत्साहित हो गया, या किसी के कहने से सेवा नहीं किया, है ना। जब उसकी मिथ्या अहंकार की पुष्टि हो रही है तब वो सेवा कर रहा है, जब उसकी मिथ्या अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही तब वो सेवा नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वो नहीं चलता है, है ना। किस तरह से चलता है वो, यहाँ इस श्लोक में बताया है, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। उसको उस पर विचार नहीं होता है, वो अपनी सेवा करता है, क्योंकि उसको सेवा करने के माध्यम से जो रस मिल रहा है, जो उसको स्वाद मिल रहा है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक उसके मिथ्या अहंकार की संतुष्टि है, उससे उसको जो स्वाद मिलता है वो स्वाद तो बहुत तुच्छ हो गया, वो स्वाद उसने बहुत पीछे छोड़ दिया, वो स्वाद अभी उसको बचा ही नहीं। अभी क्या है, वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से आनंद ले रहा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के बारे में श्लोक बता रहे हैं। तो ये श्लोक कब आता है कि कल हम और चर्चा करेंगे, अन्य भक्त उसके बारे में बताएंगे। तो माधवेंद्रपुरी जो हैं वो एक अयाचक वृत्ति है, और वो वृंदावन में पहुँचते हैं, और वृंदावन में गोविंद कुंड के पास में रहते हैं, और गोविंद कुंड में रहने के पश्चात कई घटनाएं होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनको स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि मैं जो मुस्लिम है, मुस्लिम आक्रमण की वजह से मुझे झाड़ियों के पीछे छुपाया गया था, तो आप ब्रजवासियों की मदद से उन झाड़ियों से मुझे आप निकाल लीजिए, है ना। तो माधवेंद्रपुरी प्रातः होती है, ब्रजवासियों को बुलाते हैं, और झाड़ियों से वो जो गोपाल जी के जो विग्रह हैं उनको वो निकालते हैं, और पुनः जो होते हैं गोवर्धन के ऊपर स्थापना करते हैं, और बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, है ना। सारे ब्रजवासियों को और सारे आसपास के जितने गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है, और कई दिनों तक अन्नकूट का महोत्सव चलता है। तो जब ये गोपाल जी की स्थापना हो जाती है, कई दिनों तक अन्नकूट का महोत्सव चलता है, तो फिर दोबारा जो होते हैं गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं, और वो माधवेंद्रपुरी को आदेश देते हैं कि क्योंकि मैं बहुत समय तक झाड़ियों के पीछे मुझे छुपाया गया था, तो मेरा जो शरीर है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्रीष्म, मुझे बहुत ज़्यादा ताप लग रहा है, तो आप क्या कीजिए कि जो नीलाचल पर्वत है, नीलाद्री पर्वत है, वहाँ का चंदन लेके आइए, है ना। वहाँ का जो चंदन है वो बहुत प्रसिद्ध है, वो उस चंदन को लेके आइए, और चंदन को घिस कर उसका जो लेप है मेरे जब शरीर में आप लगाएंगे तो मुझे क्या होगी, ठंडक प्रदान होगी, तो इसलिए आप वहाँ पर जाइए। तो हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो है वो अपना गोविंद कुंड में निवास कर रहे हैं, है ना। गोपाल जी के विग्रहों की स्थापना हो गई है, सभी ऑलमोस्ट रोज उत्सव हो रहा है, और उस समय गोपाल जी उनको आदेश देते हैं कि अभी आप मेरे लिए चंदन लेके आइए, है ना। और कितना दूर जाना है, वृंदावन से जाना है उड़ीसा, पुरी जाना है। कितना दूर है, कम से कम 2,500-2,500 किलोमीटर दूर है, और उस समय ऐसे कोई राजमार्ग नहीं है, सड़कें नहीं हैं, है ना, और बहुत मुस्लिम शासन है, पूरे भारत में उस समय मुस्लिम शासन था, बहुत सारी चुंगियाँ हैं, है ना, बहुत सारे नाके हैं, वहाँ पे कर वसूल किया जाएगा। और माधवेंद्रपुरी को वृंदावन से लेकर कहाँ तक जाना है, नीलाद्री नीलाचल तक पहुँचना है।
तो यहाँ पर हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे किस तरह से ये माधवेंद्रपुरी सेवा करते हैं। परम विरक्त मौनी सर्वत उदासीन ग्राम्य वार्ता भय दुति संगहीन। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी क्या है, परम विरक्त हैं, मौनी हैं, मौनी मतलब अभक्तों से बातचीत नहीं करते हैं, सर्वत उदासीन है ना, कि भौतिक वस्तुओं में उनकी कोई रुचि नहीं है। ग्राम में वार्ता भय दुति संगहीन, तो ग्राम में वार्ता प्रजल्प के भय में वो किन्हीं अकेले रहते हैं, किन्हीं अभक्तों से द्वितीय संग नहीं करते, किन्हीं अभक्तों से वो संग नहीं करते। हेन जन गोपालेर आज्ञामृत पाना सहस्त्र कोष आसी बोले चंदन मागीना। तो बता रहे हैं कि गोपाल जी ने उनको आज्ञा दिया, माधवेंद्रपुरी को आज्ञा दिया, और कैसा आज्ञा है वो, कितना अच्छा श्लोक है। हेन जन गोपालेर आज्ञामृत पाना, आज्ञा रूपी अमृत मिला उनको, माधवेंद्रपुरी को क्या मिला, हेन जन गोपालेर आज्ञा मृत पाना, जो आज्ञा है वो क्या है, अमृत के समान है, वो अमृत रूपी उनकी आज्ञा मिली। क्यों, क्या मिली, सहस्त्र कोर्स आसी बोले चंदन मागीना, कि आप सहस्त्र कोर्स जाइए और वहाँ से चंदन लेके आइए, ये उनको अमृत रूपी आज्ञा मिली। भोके रहे तबु अन्न मागिया ना खाए हेन जन चंदन भारी बही लाना जाए। तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, भूख प्यास की चिंता नहीं है, है ना। अभी हम कहीं पर हम जाते हैं, अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, तो हम इस चीज़ का प्रबंध करके चलते हैं कि कहाँ हम रुकेंगे, कहाँ पर खाना होगा, कहाँ प्रसाद मिलेगा, इसका बहुत हम विचार करते हैं कहीं भी यात्रा में जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी क्या है, है ना, भूखे रहने पर भी वो उन्होंने चलते जा रहे हैं, और उन्होंने कई जो जो भार है, चंदन का भार अपने कंधे पर, अपने सिर पर वो रखा। कितना चंदन था वो, मणे एक चंदन तोला विशेष कर पूरा गोपाले पर आई वे एई आनंद प्रचुर। तो अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता किए बिना माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन, एक मन चंदन मतलब 82 पौंड, कितना किलो हुआ, 40 किलो, 40 किलो चंदन अपने ऊपर रखे हुए, और कितना कपूर है, 7 औंस, 7 औंस, तो 40 किलो कितना है, कई किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 40 किलो वजन लेके चलना, बीच में रखना रात्रि में, फिर चलते जाना, और क्या सोच रहे हैं, गोपाले पराइवे ए आनंद प्रचुर, कि गोपाल इस चंदन को ग्रहण करेंगे, ये सोच सोच के उनको आनंद आ रहा है। अभी उन्होंने चंदन, ऐसा नहीं कि चंदन दे के वहाँ पहुँच गए, गोपाल जी को लग गया, गोपाल जी इसको, गोपाल पराइवे ए आनंद प्रचुर, कि गोपाल जी इसको ग्रहण करेंगे इस चंदन को, इसमें मुझे बहुत आनंद, इसी में उनको आनंद आ रहा है। फिर क्या बता रहे हैं, उत कलेर दानी राखे चंदन देखिया तहाँ एड़ा हिल राज पत्र दिखाना। फिर क्या हुआ कि उड़ीसा प्रांत में, उड़ीसा प्रांत से किसी दूसरे प्रांत में चंदन ले जाना वो क्या है, बहुत प्रतिबंध है, उसमें बहुत सारे आपको पेपर दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारे लीगल उसके चीज़ें होती हैं, तब आप चंदन ले जा सकते हैं। तो माधवेंद्रपुरी चले गए, बस कूद गए कि अभी मुझे सेवा करना है, सेवा में जो होगा वो मैं अपना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गोपाल जी का ये आदेश है ना। तो माधवेंद्रपुरी एक्चुअली पुरी वहाँ गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, और जगन्नाथपुरी में पहुँचे तो प्रसिद्धि जो है उनके पीछे पीछे पहुँच गई। तो वहाँ के राजा हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किए थे कि जब आप चंदन लेके जाएं वृंदावन तो इन पत्रों को दिखा देना, तो कोई भी मुस्लिम जो कर लेने वाला चुंगी नाके पर कोई मिलेगा तो आपको परेशान नहीं करेगा, तो पत्र वो साथ में लेकर चल रहे थे। फिर आता है, म्लेच्छ देश दूर पथ जगाती अपार के मते चंदन निव नाई ए विचार। तो यहाँ बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि माधवेंद्रपुरी
वृंदावन से नीलाद्री और नीलाद्री से वृंदावन आएंगे, उसमें बहुत सारे राज्य मिलेंगे, अनगणित पहरेदार होंगे, शासक होंगे, इसका उन्होंने बिल्कुल भी विचार नहीं किया। वो के मते चंदन निभ, किस तरह से मैं चंदन लेके आऊँगा, ना ही ये विचार, इसमें कोई विचार उन्होंने नहीं किया। संग एक बट नाही घाटी दान दीते, तथापि उत्साह बड़ चंदन लाना जाईते। तो क्या बता रहे हैं कि घाटी पर या जहाँ कर देना है वहाँ पर एक कौड़ी भी नहीं है, है ना, एक कुछ भी नहीं है उनके पास जो उनको कर वालों को दे सके, लेकिन क्योंकि चंदन लेके आना है और गोपाल जी का आदेश है, इसीलिए उनको बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं, है ना, उनको कोई किसी भी तरह की थकान नहीं हो रही। फिर ये श्लोक आता है जो अभी हमने पढ़ा, उसके आगे श्लोक है, एई तार गाढ़ प्रेमा लोके दिखाई थे, गोपाल तारे आज्ञा दिले चंदन आनी थे। तो अभी क्यों है ये सब, गोपाल जी ने क्यों किया ऐसा माधवेंद्रपुरी के साथ, आराम से माधवेंद्रपुरी वृंदावन में रह रहे थे गोविंद कुंड के पास में, क्यों है कि गोपाल जी ये दिखाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं कि उन्होंने अपने निज दुख विघ्नाधिर उस पर विचार किए बिना वो चंदन लेने चले गए, ये पूरे संसार के सामने प्रकट करना चाह रहे थे गोपाल जी। तो जो भगवान हैं अपने भक्तों का, भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं, अपनी उनकी सेवा करने के लिए क्या त्याग करते हैं, वो दिखाने के लिए भगवान अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में रखते हैं, ऐसी परिस्थिति में डालते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है, बहु परिश्रमे चंदन रेमु ना आनीला, आनंद बड़िल मने दुख ना गड़ीला। तो बता रहे हैं बहुत परिश्रम के साथ, है ना, अभी इतने परिश्रम के साथ वो चंदन लेते लेते कहाँ पहुँचे, रेमुना पहुँचे। आनंद बड़िल मने दुख ना गड़िल, और आनंद बढ़ता जा रहा है और दुख नहीं गिन रहे कि कितने मुझे कितनी कठिनाइयाँ हुई। प्रतीक्षा करिते गोपाल कैला आज्ञा दान, परीक्षा करिया से हैला दयावान। तो क्या बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं गोपाल जी हैं, उन्होंने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा लिया कि ये किस तरह से वो सेवा करते हैं, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि अभी आपको वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप रेमुना में ही जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं उन पर आप चंदन लगा दीजिए, है ना। तो हम इस वृत्तांत से हम देख रहे हैं कि जो भक्ति है, भक्ति आनंद का विषय तो है ही कि, है ना, सदा जप कीजिए और प्रसन्न रहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन वो जो आनंद है वो आध्यात्मिक स्तर का आनंद है, वो भौतिक स्तर का आनंद नहीं है। तो जो हम आध्यात्मिक स्तर का आनंद ढूंढ रहे हैं वो आत्मा के स्तर पर होगा, वो शरीर या मन के स्तर पर नहीं होगा। तो अगर हमें शरीर और मन के स्तर पर हम आनंद ढूंढते हैं और हमें सेवाओं में कुछ समस्या आती है, सेवा करने में विघ्न आता है, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, उन सेवाओं में हम ढीले पड़ जाते हैं या उन सेवाओं को हम छोड़ देते हैं या उन सेवाओं को हम नहीं करते हैं और कई ऐसे तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं जिससे हमें लगता है कि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ लेकिन कई चीज़ें साथ नहीं दे रही, है ना। लेकिन यहाँ माधवेंद्रपुरी का जो पूरी एटीट्यूड है, उनका जो पूरा भावना है कि जैसे हम सेवा करेंगे, सेवा करते जाएंगे तो सारी सुविधाएं भगवान देते जाएंगे, भगवान देखेंगे कि मेरी सेवा करने के लिए इसके अंदर इतनी उत्कंठा है, इतना आगे करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। तो जिस तरह से माधवेंद्रपुरी को उड़ीसा के राजा की सहायता मिली और उड़ीसा की राजा की सहायता के द्वारा वो आसानी से कम रेमुना तक ले गए, उसी तरह से जब हम सेवा में पूरी तरह से डूब जाते हैं, पूरी तरह से चले जाते हैं, तो भगवान सभी तरह की सहायता, सभी तरह की रिसोर्सेस, सभी तरह के भक्त वो हमें देते जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम इस स्तर पर सेवा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जब तक भक्ति में हमें आनंद आता है, जब तक हम सुखी होते हैं, तब तक हम सेवा करते हैं, लेकिन जब समस्या आना चालू होती हैं तो फिर हम
है ना, वो सेवा से हम पीछे हटना चालू हो जाते हैं। और ये परीक्षा सबकी होती है। जैसे कि हम देखते हैं, बहुत एक प्रसिद्ध वृत्तांत है जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, जिनका नाम है इंद्रदुम्न महाराज, है ना। तो जब वो ब्रह्मचारी थे, इंद्रदुम्न प्रभु थे, तो एक बार वो शिल प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे, प्रभुपाद जी के साथ वो यात्रा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी लंदन एयरपोर्ट पर उतरे वहाँ पर, और प्रभुपाद जी के जो बैग थे जिसमें प्रभुपाद जी बुक्स लेके चलते थे, वो कुछ देर में आने वाली थी, कुछ उनको समय था, है ना। तो उस समय ऐसे लैपटॉप होना, है ना, टैबलेट होना, या वेदावेश में सर्च करके बुक राइड करना, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी जहाँ जाते थे, अन्य आचार्यों की जो टीकाएँ हैं या अन्य पुस्तकें हैं, वो अपने बैग में लेके जाते थे। तो वो जो बैग थे, दो बड़े बड़े भारी भारी बैग थे, वो आना बाकी थे अभी, है ना। तो शिल प्रभुपाद जब वहाँ पर लंदन में उतरे, तो बहुत बड़ा उनका वेलकम हुआ, बहुत बड़ा वेलकम हुआ, है ना। सारे शिष्य एकदम, बहुत कीर्तन हो रहा है, मृदंग है, करताल है, सब नाच रहे हैं। और जो इंद्रदुम्न प्रभु थे, वो पीछे अपना, मतलब वो वेट कर रहे हैं कि अभी सामान आएगा, प्रभुपाद जी का बैग आएगा, और प्रभुपाद जी का बैग लेके मैं साथ में जाऊँगा। तो पूरा बहुत ग्रांड वेलकम हो गया। फिर प्रभुपाद जी कार से टेम्पल पहुँचे, और टेम्पल में बहुत बड़े लेवल पर उत्सव मनाएगा कि प्रभुपाद जी बहुत समय के बाद यहाँ पर लंदन में आ रहे हैं। और बहुत बड़ा फीस्ट था वहाँ पर, है ना। तो सभी वहाँ ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ भक्त थे, सब मिलके उन्होंने फीस्ट बनाया, भगवान को ऑफर किया, और फीस्ट हमने लिया। और वहाँ पर इंद्रदुम्न प्रभु जो हैं, उनको काफ़ी समय लग गया बैग लाने में, और बहुत भूख लगी थी, वो प्रभुपाद जी के साथ में आ रहे थे, तो बहुत भूखे भी थे वो। तो बैग लेके आए, वो भूखे हैं, थक गए, और भारी भारी बैग उठाना है, तो खींचते खींचते वो एयरपोर्ट से बाहर आए। तो देखा तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश था, बहुत तेज़ बारिश। तो अभी सोचने लगे कि सब मेरे विपरीत ही हो रहा है, मैं प्रभुपाद जी का जो ग्रांड वेलकम है वो अटेंड नहीं कर पाया, वहाँ मंदिर में प्रभुपाद जी पहुँचे होंगे वो मैं अटेंड नहीं कर पाया, और पीछे अकेले बैग ढो रहा हूँ, बैग उठाते जा रहा हूँ। तो उनके पास लक्ष्मी भी नहीं था, क्योंकि जल्दीबाजी में किन्हीं से लक्ष्मी भी नहीं लिया। तो फिर इंद्रदुम्न प्रभु जो थे, उन्होंने कुछ टैक्सी किया, और टैक्सी लेके बताया कि भक्तिवेदांत मैनर पहुँचना है। तो भक्तिवेदांत मैनर पहुँचे, और किन्हीं भक्त से, सब भक्त सो चुके थे, रात में ऐसे 12-1 बज चुका था, संध्या का समय था, 4-5 बजे से लेकर 12-1 बजे तक वो एयरपोर्ट पे ही थे। किसी तरह वहाँ पर आए, और भक्त लोगों से उन्होंने पैसा लिया, टैक्सी वाले को दिया, और बैग भारी लेते 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 हॉल में प्रवेश किए, और सब भक्त वहाँ पर सोए हुए, है ना। और इंद्रदुम्न जो प्रभु थे, उन्होंने कुछ भक्तों को उठाया, तो बोले आज तो इतनी अच्छी फीस थी, इतनी बढ़िया फीस थी, कि आज तो कुछ क्या कहना, आज तो कुछ बोल ही नहीं सकते आज तो, है ना। तो वो पूछते हैं इंद्रदुम्न प्रभु के, कुछ बचा हुआ है मेरे लिए, कुछ बचा है? तो बोले नहीं, वो तो सब खत्म हो गया कुछ बचा नहीं। तो वो और वो हो गए, परेशान हो गए, है ना। तो प्रभुपाद जी के जो क्वार्टर थे, वो फर्स्ट फ्लोर पर था, ऊपर था, तो सब सोए हुए थे एकदम, है ना, एकदम गौर प्रेमानंदे में सब खुद सो गए थे। तो वो बैग लेते हैं, भारी भारी बैग लेते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, और प्रभुपाद जी के रूम तक पहुंचते हैं। और प्रभुपाद जी जागे हुए थे, 12-1 बजे का समय था। तो प्रभुपाद जी का जो दरवाज़ा है, वो खटखटाते हैं, प्रभुपाद जी दरवाज़ा खोलते हैं, और इंद्रदुम्न प्रभु इतना थक गए थे कि उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करते गिर गए। वो दो बैग थे, और पूरा चूर चूर हो गए, थक के चूर हो गए, और गिर गए। तो प्रभुपाद जी ने, वो उठे, और प्रभुपाद जी ने उनके पीठ पर थोड़ा थपथपाया, और प्रभुपाद जी बोले कि इस भौतिक जगत में बहुत समस्याएं हैं ना, भौतिक जगत बहुत कष्ट में है ना। तो इंद्रदुम्न प्रभु कुछ बोले नहीं, प्रभुपाद बोले कि मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आपको आध्यात्मिक जगत ले जाऊँगा, वहाँ किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो जब इंद्रदुम्न महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि ये प्रभुपाद जी ने ये वचन मेरे लिए बोले, तो ये जो वचन है, यही मुझे 40-50 साल से टिकाए हुए हैं।
ये प्रभुपाद जी के कुछ एक दो वाक्य थे, उन्होंने ही मेरे पूरे आध्यात्मिक जीवन को अभी तक टिका के रखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्ति में बहुत संघर्ष होगा, बहुत स्ट्रगल होगा, और कभी कभी ऐसे संघर्ष होंगे जिसमें हमारे कोई संघर्ष देखने के लिए भी नहीं होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें हम अकेले सेवा कर रहे हैं और कोई देखने वाला भी नहीं है। हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, फिर हम विचार आता है कि कर क्यों रहा हूँ मैं, कोई तो देख नहीं रहा है, कोई तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, है ना। तो गोकुल चंदपू एक लेक्चर में बताते हैं कि फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल की रात में बर्तन धोने पड़ते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं। हम सबने अनुभव किया है कि फेस्टिवल की रात में या फेस्टिवल के अगले दिन, तो एक भक्त थे तो दो तीन भक्त बड़े बड़े बर्तन धो रहे थे, है ना। तो उनमें से एक एक भक्त थकने लगे तो वो चले गए, दूसरे भक्त थकने लगे वो भी चले गए, अभी एक अकेले भक्त बचे। 11-12 बजे रात का समय है, बर्तन घिस रहे हैं, घिस रहे हैं, घिस रहे हैं। तो उनके मन में विचार आया, क्या मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं आश्रम में क्यों हूँ, बढ़िया आराम से घर पे होता, सो रहा होता, सब अपना फैसिलिटी था, और सब यहाँ बर्तन घिस रहा, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा लगता है राख अपने ऊपर लगा लूँ, खुद के ऊपर राख लगा लूँ, तो बहुत परेशान हो गए, है ना। तो कभी कभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होंगे तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें सेवा का उत्साह कम मिल रहा है। जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं तो हमको सेवा का बहुत उत्साह मिल रहा है, या जब सेवा का कुछ रिजल्ट आता है और सेवा का रिजल्ट आने के पश्चात कई लोग हमें कुछ बोलते हैं तब हमें उत्साह मिलता है, या हम अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, है ना, कोई रिजल्ट भी देखने वाला नहीं है कि कितना रिजल्ट आया कितना नहीं है, उस समय भी हम सेवा करते जाते हैं, करते जाते करते जाते, तब वो कहलाएगा कि हाँ जो ये प्रगाढ़ प्रेम है यही स्वभाव आचार। तब वो क्या, अभी माधवेंद्रपुरी तो अकेले गए थे 2000 किलोमीटर अकेले पैदल, कोई देखने वाला नहीं था, कौन साथ में है, कौन बताएगा उनको, हाँ बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया चंदन लेके आए, कितना अच्छा क्वालिटी का लेके आए, कितना कठिनाई लिया, कितने सारी चुंगियों से निकले, कितना बढ़िया से, कुछ नहीं, गोपाल जी का आदेश है बस निकल जाना। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है भक्ति का। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं चैतन्य चरितामृत में भी, कई घटनाएं आती हैं, जैसे बहुत प्रसिद्ध है एक पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड, है ना, नमकीन डबल रोटी, है ना। तो उसमें रशिया में किस तरह से भक्तों ने प्रचार किया, है ना, रशिया में उस समय कम्युनिस्ट राज्य था, साम्यवादी राज्य था, वहाँ पे भक्त लोग हैं छुप छुप के प्रचार कर रहे थे, है ना। एक बार ये हुआ कि कुछ भक्त थे अपनी वैन में कई भगवद गीता लोड करके रशिया के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे, और रशियन बॉर्डर पर अगर पता चल गया कि कोई धर्म की किताब वहाँ जा रही है, रशिया में जा रही है, तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। अगर चेक कर लिया कि इसके अंदर भगवद गीता है या कोई और दूसरी पुस्तक है तो आप सीधे जेल में जाओगे, आप मृत्यु, फांसी मिल जाएगी आपको, इतना वो जो रशियन बॉर्डर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। तो कुछ भक्त वैन लेके गए, वैन के अंदर पुस्तक थी, है ना, और उस वैन में उन्होंने एक कुत्ता रखा था साथ में, है ना। तो जब वो रशियन बॉर्डर पर पहुँचे वहाँ पर, तो पुलिस चेक करने आई, है ना। तो पुलिस सबसे पहले पीछे गई कि पीछे उन्होंने रखा क्या है, क्या है इसमें। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए भक्तों ने क्या किया, उस कुत्ते को थोड़ा छोड़ दिया। तो पुलिस बोलने की ये कुत्ता नहीं जा सकता है, ये कैसे लेके आ गए, ये तो ऐसे कोई भी कंट्री के बॉर्डर को पास नहीं कर सकता है। तो भक्तों ने बोला नहीं, ये तो हम क्या अपने साथ में रखते हैं इसको, ये हमारे साथ में रहता है, हमारा पालतू है, बहुत दिन तक इसको रखते हैं, बट बहुत समय से हमारे साथ में है। तो भक्तों के बीच में और पुलिस के बीच में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होने लगा, है ना, कि इसको छोड़ दिए तो कुत्ता ही है, छोटा ही है, तो इसको हम साथ में ले जाएंगे। तो पुलिस बोली नहीं नहीं, इसको तो साथ में नहीं ले जाएंगे, और ये तो ऐसे कोई नहीं जा सकता है। तो भक्तों ने बोला ठीक है, अभी हम आप इतना बोल रहे हैं तो छोड़ देते हैं, कुत्ते को जाने देते हैं, हम लोग जाते हैं। तो पुलिस बोलती है
कि हाँ ठीक है कुत्ते को जाने दो, आप लोग निकल जाओ यहाँ से, आप लोग चले जाओ यहाँ से, और कुत्ते को छोड़ दिया। और पूरी वैन रशिया के अंदर चली गई और पूरी भगवत गीता के कार्टन्स में, और फिर अंदर 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 उन्होंने भगवत गीता का वितरण करना, उसको लिखना, छपाई करना। तो कितना बड़ा रिस्क लिया। तो अगर वो पकड़े जाते, भगवत गीता पकड़े जाते, तो सारे के सारे भक्त क्या हो जाते, जेल में चले जाते। तो ये बहुत भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के एक सर्वेंट है हरि सौरी प्रभु, तो हरि सौरी प्रभु प्रभुपाद जी के साथ में सबसे जो लॉन्गेस्ट सर्विस किया हरि सौरी प्रभु ने किया प्रभुपाद जी के साथ, सबसे लंबे समय वो प्रभुपाद जी के साथ में रहे। तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं हरि सौरी प्रभु कि इतने समय में प्रभुपाद जी के साथ में रहा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि प्रभुपाद सभी समय उनको कुछ ना कुछ बीमारी थी, वो कभी ना कुछ उनकी बीमारी हमेशा रहती थी। हालांकि कभी कुछ कान की समस्या है, बहुत आवाज़ आ रही है, कभी बहुत हेडेक हो रहा है, कभी शरीर बहुत दुर्बल हो गया है ना, रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो पूरे शायद 3 से 4 साल वो सर्वेंट थे, और बताते हैं कि पूरे समय प्रभुपाद किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त रहते थे, लेकिन उनकी जो प्रीचिंग की जो स्पिरिट थी, जो सेवा करने की स्पिरिट थी, वो कभी कम नहीं हुई। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, और वृंदावन में जब वो राधा कृष्ण बलराम मंदिर में अपने क्वार्टर्स में लेटे थे, तो कुछ उन वैद्य आते हैं और वैद्य बोलते हैं कि स्वामी जी अभी आप रेस्ट कीजिए, अभी आप आराम कीजिए, आप बहुत सारा प्रचार हो गया है, आपके बहुत सारे शिष्य बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, तो अभी आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा आप अपने आप को रेस्ट कीजिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं बैटल फील्ड पर मरना चाहता हूँ, मैं युद्ध क्षेत्र में जाके मरना चाहता, मैं वृंदावन में एक बिस्तर के ऊपर यहाँ शरीर नहीं छोड़ना चाहता, मेरा बैटल फील्ड क्या है, मेरा प्रचार है ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर स्थिति में थे, और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे आप वहाँ ले चलो, भक्ति वेदांत मैनर, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो जिन्होंने वीडियो देखे हों प्रभु फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद, उसमें प्रभुपाद जी की वीडियो है कि प्रभुपाद जी लंदन में आए हैं, एयरपोर्ट पर उतरे हैं, एक पालकी आई है, और पालकी में बैठ के वो मंदिर गए हैं, और वहाँ भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ भक्तों से मिल रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि मूवमेंट कैसे आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रभुपाद जी है ना, तो प्रभुपाद जी अपने व्यक्तिगत उदाहरण से ये बता रहे हैं है ना, कि जो माधवेंद्र पुरी ने उस समय प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले किया, वो शिल प्रभुपाद यहाँ वर्तमान रूप से हम बता रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब जलदूत की यात्रा करते हैं, तो जलदूत की यात्रा में भी क्या होता है, पहली बार हार्ट अटैक आता है ना, और दूसरी बार भी आता है, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मुझे अभी दोबारा हार्ट अटैक आया तो शायद मैं बच नहीं पाऊँगा। और रात्रि में उनको स्वप्न आता है श्रील प्रभुपाद जी, और उस स्वप्न में क्या होता है कि जलदूत जहाज है और भगवान कृष्ण है उसको जहाज को चला रहे हैं है ना, जहाज को चला। और प्रभुपाद जी सुबह उठते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ ये जलदूत अभी कृष्ण उसको खे रहे हैं, कृष्ण उसको आगे ले जा रहे हैं। तो और प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में थे, जब मूवमेंट थोड़ा सा कुछ स्तर तक स्थापित हो गया, तो प्रभुपाद को स्ट्रोक आया है ना, बहुत सीवियर स्ट्रोक आया, और प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ का इन्वायरमेंट, और उससे पहले क्या होता है कि 1965 या 66 का समय था, उस समय न्यूयॉर्क में 100 साल में जितनी ठंड नहीं पड़ी थी उतनी ठंड उस साल पड़ी थी जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे 66 या 67 में। और उस समय प्रभुपाद धोती कुर्ता कोट है ना कैप पहन के, पिक्चर भी हमने देखा होगा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, उस समय सबसे अधिक सर्दी अमेरिका की उन 100 सालों में पड़ी थी। लेकिन प्रभुपाद जी का जो यहाँ जैसे श्लोक में बताया जा रहा है, जो कृत संकल्प था, डिटर्मिनेशन था, वो हिला नहीं है ना, वो ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे जब स्ट्रोक आया प्रभुपाद जी का, तो उस समय भी जो वहाँ के अमेरिकन डिसाइपल थे वो सोच रहे थे कि अब तो स्वामी जी वापस नहीं आएंगे, अभी तो शायद इंडिया से वापस नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति था। तो थोड़ा सा कुछ कुछ स्तर का उनका
जो तबीयत था वो ठीक हुआ और प्रभुपाद तुरंत यहाँ पर अमेरिका वापस आ गए प्रचार करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे सेवा करते समय, भगवान की भक्ति करते समय बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन उसको हमें अगर हमको उच्च स्वाद प्राप्त हुआ है, वास्तव में हमें भक्ति का स्वाद प्राप्त हुआ है, तो ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। ये इतना सब चीज़ें कि कुछ परिस्थिति बस समस्या आ रही है, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो ये सब इतना, जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को अगर चींटी काट गई है ना, या कोई कुछ किसी कीड़े ने काट लिया तो बहुत परेशान हो जाता है ना, और वो लाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करेंगे, वो हो गया, वो हो गया, तो बहुत, तो माता पिता क्या करते, थोड़ा फूक फूक देते हैं या कुछ लगा देते हैं, बोले ठीक है जाओ जाओ, जाओ कोई बात नहीं, चींटी काटी ना, कुछ नहीं है। तो इसी तरह से जो भक्ति सेवा करते समय जो कभी कभी ईगो क्लैश हो जाते हैं, बहुत सारे ईगो क्लैश हो जाते हैं हमारे, है ना, तो उस समय हमारी भक्ति की परीक्षा होगी, उस समय भक्ति की परीक्षा। जैसे गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा लिया, तो गोपाल जी ने दो तरह से माधवेंद्रपुरी का किया, माधवेंद्रपुरी के गुणगान के लिए और माधवेंद्रपुरी की परीक्षा के लिए, दोनों साथ में चल रहा है ना। तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, भीष्म पितामह बोलते हैं भागवतम में, भीष्म पितामह यहाँ बता रहे हैं, अहो कष्ट अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्थ किस क्लिष्टम विप्र धर्मा चिताश्रय। तो युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, अहो कष्टम, ओ कितने सारे कष्ट आए, अहो अन्यायम, कितने सारे अन्याय हुए, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज क्या है, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बहुत दुखी है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मुझे राजा बनाने के लिए इतने सारे लोग मारे गए, क्या मेरा राजा बनना इतना महत्वपूर्ण था, दुर्योधन तो राज्य कर ही रहा था, तो मैं राजा बना इसके लिए इतने सारे, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, तो उसका दोषी मैं हूँ, ये युधिष्ठिर महाराज सोच रहे। तो उनकी जो ग्लानि है युधिष्ठिर महाराज की, उसको दूर करने के लिए भीष्म पितामह उनको समझा रहे हैं। अब भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम, कितना कष्ट हुआ, कितना अन्याय हुआ, किसके ऊपर, यद्दूयम धर्मनंदना, जो धर्म के पुत्र हैं उनके ऊपर ये अन्याय हुआ, धर्मराज यमराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज, जीवितुम नार्थम क्लिष्टम, इतने सारे कष्ट हुए कि ऐसी परिस्थिति में आप लोगों का जो जीवन, जीवित रहना भी वो मुश्किल था, आपका जीवित रहना भी मुश्किल था, लेकिन क्यों जीवित रहे, विप्र धर्मा च्युताश्रय, क्योंकि आपने तीन लोगों का आश्रय लेकर रखा था। वो तीन कौन कौन है, विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण या वैष्णव, धर्म मतलब धार्मिक नियम, अच्युताश्रय और भगवान श्री कृष्ण। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक कोई भगवान की इच्छाओं के अनुसार अपना कार्य कर रहा है, जब तक कोई भगवान की इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा है, ब्राह्मणों और वैष्णवों के द्वारा निर्देशित है, गाइडेड है, और धर्म के नियमों को पालन कर रहा है, विप्र धर्मा च्युताश्रय, विप्र धर्मा च्युताश्रय, कि कोई भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में कार्य कर रहा है, वैष्णवों और ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड है, और धर्म के सारे नियमों को पालन कर रहा है, उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो ये तीन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, उसे कभी भी निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना। हम निराश क्यों हो जाते हैं, हताश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमने सही से आश्रय लेके नहीं रखा। आगे के श्लोक में भीष्म पितामह बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, बोलते हैं, यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणी वृकोदरा कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो पिबत। कि समय की प्रभाव को देखिए, भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि धर्म, आप समय के प्रभाव को देखिए कि इस पक्ष में कौन है, पांडवों के पक्ष में कौन है, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज है,
स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हैं। दो सबसे बड़े योद्धा हैं, अर्जुन और भीम, और स्वयं श्री कृष्ण हैं। धर्मराज हैं, अर्जुन और भीम हैं, जिनसे कोई नहीं लड़ सकता, और स्वयं श्री कृष्ण हैं। फिर भी उनके जीवन में इतने सारे कष्ट आए, फिर भी उनके जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव हुए, स्वयं कृष्ण साथ में। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर कोई भौतिक रूप से बहुत संपन्न है, या आध्यात्मिक रूप से भी सारी उसके पास सुविधाएं हैं, देखिए बहुत अच्छा तात्पर्य है कि भौतिक रूप से भी संपन्न है और आध्यात्मिक रूप से भी सब बढ़िया है, तो भी उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। भौतिक रूप से पांडवों के पास कोई कमी नहीं थी, स्वयं धर्मराज हैं और दो महान योद्धा हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कृष्ण तो उनके वो हैं, शुभ चिंतक हैं, कृष्ण हमेशा साथ में हैं। तो भी ऐसा हुआ, तो भी पांडवों को इतने सारे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो ये हम सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ये होने वाला है, ये स्वाभाविक है। अगर हम भक्ति में आए हैं तो ये चीज़ होने वाली है कि समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, दुख आएंगे, विघ्न आएंगे, निराशा वाली स्थिति बनी है। लेकिन अगर हमने विप्र धर्माचिताश्रय, अगर हमने ये शरण लेके रखी है, तो फिर वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, तो हम वो क्रॉस कर जाएंगे। अगर हम परेशान हो गए तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त होते हैं, भक्ति के जीवन में बहुत उत्साह से आते हैं, बहुत उत्साह से सेवा करते हैं, बहुत अच्छे सेवा करते हैं, और बहुत बढ़िया है, अच्छा ही है, उत्साह से सेवा करनी चाहिए। लेकिन समय के साथ क्या होता है, उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि ऐसी मानसिकता होती है कि अब तो हमको सबको पता ही है, हमने सब देख रखा है, सबकी सब कुछ हमको पता है, अभी अन्य लोग हमको क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे। तो उनका उत्साह क्या हो जाता है, धीरे 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 डाउन होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि उनको अपने जीवन में ऐसे बिटर एक्सपीरियंस हुए हैं, ऐसे कड़वे अनुभव हुए हैं उनके जीवन में, कि अपने आप को वो दूर कर लेते हैं। फिर वो जाना, बहुत ज़्यादा सेवा करना, बहुत ज़्यादा संग करना, वो इतना नहीं कर, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि भक्ति मतलब आनंद में, भक्ति मतलब आनंद ही मिलना चाहिए, भक्ति मतलब बिल्कुल है ना, आनंद के सागर में डूब जाना चाहिए। वो आनंद का सागर आएगा, लेकिन पहले हमें अपनी अज्ञानता को छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिनाई वाली स्थिति आ जाए, लेकिन अगर हमें भगवान, भगवान के संदेश और भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा है, तो उस परिस्थिति से हम निकल जाएंगे। उस परिस्थिति से हमें, ऐसे ऐसे जादू होते हैं, ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं भक्तों के जीवन में, कि वो सोचते हैं कि ऐसे हमारे जीवन में क्या हो गया, है ना, ऐसे ये हमारे जीवन में कैसे घटित हो गया। वो क्यों होता है, क्योंकि भगवान, उनके भगवान की जो सेवा है उसे बहुत विश्वास होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी को, किसी एक को भक्त बनाने के लिए कई गैलन खून बहाना पड़ता है, किसी एक को भक्त बनाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड, तब जाके वो भक्त बन पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गैलन्स ऑफ ब्लड, कि कई गैलन खून बहाना पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति हिंदू से मुस्लिम बन जाएगा, मुस्लिम से क्रिश्चियन बन जाएगा, क्रिश्चियन से बुद्धिस्ट बन जाएगा, नास्तिक से आस्तिक बन जाएगा, सब ये चेंज होते जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो भोग करने की वृत्ति है उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। उसको जो एन्जॉयमेंट करने की वृत्ति है, उसको जो एक रिकॉग्निशन चाहिए है, उसको जो प्रतिष्ठा चाहिए है, उससे वो निकलने की वृत्ति है, वो निकल नहीं पाएगा। तो जिस तरह से एक माँ होती है ना, तो जो दूध है वो, जो ब्लड है उसका ही रूप वो है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो माँ है, अपने दूध के माध्यम से बच्चे को बड़ी करती है, पोषण देती है, उसके अंदर शक्ति आती है। तो उसी तरह से जो भक्ति प्रचार में लगे हुए हैं या किसी भी सेवा में लगे हुए हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि ये प्रचार कार्य करना और प्रचार आंदोलन में लेके सेवा करना, ये आम बात नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि जो एक जीव है
उसकी जो भोग करने की वृत्ति है इतने जन्मों जन्मों से इतनी दूषित हो गई है, इतनी दूषित हो गई है कि उस दूषण को दूर करके शुद्ध अवस्था में लेके आना बहुत 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 कठिन काम, बहुत कठिन काम। इसीलिए कभी भी हमें निराश या हताश नहीं होना चाहिए कि चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं, लोग हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं, परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं चल रही है, हमारा शरीर हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। ये होना चाहिए, हमारे पास जितना भगवान ने हमें दिया है उसको हम लेके चलें। जैसे हम देखते हैं बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रामायण में, तो रामायण में जैसे जटायु का उदाहरण है ना, तो जटायु को पता है कि मैं रावण से नहीं लड़ पाऊँगा, मुझे पता है, वो वृद्ध हैं, एक बूढ़े वृद्ध हो चुके हैं, और रावण क्या है, पूरा शक्तिशाली है, उसको कोई मार नहीं सकता है ना। तो जटायु को पता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, है ना, लेकिन जटायु ने क्या किया था, भगवान राम को आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था कि जब आप यहाँ पर पंचवटी में उपस्थित नहीं होंगे तो मैं सीता जो माता है उनकी रक्षा करूँगा। तो दशरथ महाराज के मित्र समान थे जटायु, तो वो रावण से जब युद्ध करते हैं तो उनको पता है कि मैं युद्ध में नहीं जीतने वाला, मुझे पता है हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो रावण से युद्ध करना जारी रखते हैं, लड़ते हैं, रावण के रथ को, रावण के सारथी को, रावण के जो उसके रथ में घोड़े नहीं थे, गधे लगे हुए थे, उनको, उसकी जो ध्वजा को, सबको तोड़ देते हैं, सबको तहस नहस कर देते हैं, और रावण भी, रावण की जो भुजाओं को भी काट देते हैं, सिर को भी काट देते हैं। उसके बावजूद भी रावण जब देखता है कि ये थक गए हैं, अभी रावण अपनी तलवार निकालता है और तलवार से पंख को काट देता है, और बिल्कुल खून में लथपथ होकर वो जटायु वहाँ पर गिर जाते हैं। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या हो गया, वो हार गए, भौतिक दृष्टि से सेवा नहीं कर पाए, जो उन्होंने आश्वासन दिया था भगवान रामचंद्र को, उनको वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो उनको मिला आगे चल के, तो भगवान राम वहाँ पर आते हैं, भगवान राम ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं, और देखते हैं कि एक बहुत विशाल पक्षी है ना, खून से पूरा लथपथ पड़ा हुआ है। तो भगवान राम सोचते हैं कि यही होगा जो जिसने सीता माता का अपहरण किया है और ये खा गया, भक्षण कर गया, और ये खून पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है। तो भगवान राम अपना महाधनुष बाण निकालते हैं और बाण चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिन्होंने भगवान राम के लिए अपने पूरे प्राण दे दिए वो भगवान उनके ऊपर तीर चलाने वाले हैं। सोचिए, ये फेथ का टेस्टिंग है। ऐसा होगा कि जिसके लिए सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए सेवा कर रहे हैं, वो अपेरेंटली ऊपरी तौर सर जैसा हम व्यवहार चाहते हैं उसके विपरीत व्यवहार करें, जैसा हम चाहते हैं उसके विपरीत व्यवहार हो सकता है। तो जटायु उनके लिए बहुत परीक्षा की घड़ी है कि मैंने पूरे प्राण त्याग दिए और भगवान राम मुझे बाण चला रहे हैं, तो वो ऐसे मंद मंद स्वर में राम 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 ऐसे बोलते हैं, तो भगवान राम समझ जाते हैं तो वो है, जटायु है। और भगवान राम बोलते हैं कि जितना मेरे जो पिता हैं दशरथ महाराज, उनके जाने का मुझे दुख नहीं है, या जितना मुझे सीता अपहरण हुआ उतना दुख नहीं है, उतना जटायु के जाने से मुझे दुख है। और भगवान क्या बोलते हैं कि उनको वैकुंठ भेज देते हैं। तो भौतिक रूप से देखा जाए फेलियर, पूरी तरह से फेलियर, पूरे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, सक्सेस। तो इसीलिए जो भक्ति का क्षेत्र है उसकी गणित बिल्कुल अलग चलती है। यहाँ हम सोचते हैं कि जब कोई कार्य हम करते हैं और भौतिक रूप से जब वो दिखना चालू होता है तो उसकी वो सक्सेस कहलाती है, वो भी ज़रूरी है, कार्य की संपन्नता भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो सेकेंडरी है। लेकिन हमने जैसे यहाँ माधवेंद्रपुरी के बारे में आ रहा है कि निज दुख विघ्न आदिर ना करे विचार, जब उस तरह से हम सेवा भावना से करते हैं तब भगवान देखते हैं कि हाँ ये वास्तव में सेवा करना चाहते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने बहुत सारे जीवन हमने इंद्रिय भोग के लिए दे दिए, बहुत सारे जीवन हमने अपने इंद्रिय भोग के लिए दे दिए,
केवल एक जीवन हम कृष्ण को दे दें, केवल एक जीवन। अगर इतने सारे जीवन हमने दे दिए, कुछ मिला नहीं, फिर से वही साइकिल में घूम ही रहे हैं। तो अगर एक जीवन कृष्ण को दे दिया और कुछ मिला नहीं, मान लो कुछ मिला भी नहीं, तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इंद्रिय भोग को तो ऑलरेडी बहुत सारे जीवन दे चुके हैं, उसमें कुछ मिला नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले कि एक जीवन आप कृष्ण को दे दो, आप लूज़र नहीं होंगे, आप कुछ कुछ ऐसा नहीं कुछ गंवा देंगे आप, या कुछ आप छोड़ देंगे, या कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ जीवन, केवल एक जीवन दे दीजिए। तो इसीलिए हमें बहुत गंभीरता से भक्ति करने की आवश्यकता है, और ऐसा ना हो कि भक्ति में कुछ वर्ष बीत जाने के बाद फिर हमको लगे कि हम और अच्छे से सेवा कर सकते थे, और टाइम दे सकते थे, और मेहनत कर सकते थे, फिर हमको खुद के ऊपर ग्लानी हो कि इतना अच्छा समय मिला था, इतने अच्छे वर्ष मिले थे, भक्तों का संग मिला था, इतनी सारी सेवाएं मिली थी, और मैंने अपने आलस्य में, मैंने अपने अहंकार में मैंने उसको गंवा दिया। फिर क्या होगा, पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो समय चला गया, जो समय बीत गया, वो समय वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो जो भक्ति में सेवा है, भक्ति है, वो बहुत गंभीर विषय है ना, क्योंकि इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत जाना वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, है ना, कोई खेल खेल में नहीं हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीरता चाहिए। एक भौतिक जगत में ही हम देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, या कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, IAS IPS एग्ज़ाम है, तो उसमें जो व्यक्ति होता है या प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कितना गंभीर होते हैं, कितना उनका फोकस होता है, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, है ना। जैसे कोटा में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो उनकी ऐसी हालत होती है कि 15-15, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, कौन सा कौन सी मैस से कौन सा टिफ़िन आ रहा है, कब सुबह है, कब दिन है, कब रात है, कुछ पता नहीं। जो IAS IPS के लिए तैयारी करते हैं तो कितना उसमें, है ना, उनको छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं होती, पूरा लगे रहते हैं। किसी ने अपना प्रोजेक्ट उठाया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको परवाह ही नहीं, आज मैंने खाया नहीं खाया, दोपहर का खाना ही चला गया, उसको बोलते खाना, अरे मुझसे डिस्टर्ब मत करो, अभी मुझे ये करना है। तो कितना वो उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, कितना पूरा अंदर जाते हैं। तो उसी तरह से जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें इतने अच्छे निर्देश दिए हैं, पूरा हमें हर चीज़ दे दी है, भक्ति का हर रास्ता दे दिया, हर स्टेप बता दिया, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, हर चीज़ दे दिया है, बस हमें चलना है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि अनक्लियर है, कि मैं जब प्रगति करूँगा, आगे बढ़ूँगा तो मुझे कुछ दिखेगा, अच्छा अब ऐसे करना है, अभी मुझे आगे ऐसे जाना है, ओह अच्छा अब मुझे ऐसे जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा जीरो से लेकर परफेक्शन तक सारा रास्ता बना दिया, अभी हमें उस पर चलना है, हमें उस पर चलने के लिए तैयार है या नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि जीवन के अंतिम में हम पछताएं और हम सोचें कि इतना अच्छा समय था, इतना शक्ति था, मुझे उसको उपयोग करना था, और मैंने अपने बहुत ही ऐसे इग्नोरेंस की वजह से, अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, अपने अहंकार की वजह से उस रास्ते पे नहीं चला, तो अगला जीवन कैसे होगा, कहाँ जन्म मिलेगा, मूवमेंट में आएंगे नहीं आएंगे, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता, है ना। तो इसीलिए इसी जीवन में पूरा एकदम लग के अच्छे से प्रयास करना है, और उस प्रयास करते समय जो भी आए, जो भी विघ्न आए, उसकी परवाह किए बिना आगे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। तो ये हम माधवेंद्रपुरी जो चंदन लेके आते हैं उस वृत्तांत से हम ये समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। किने कोई प्रश्न है कुछ? बाहरी लक्षण ऐसा प्रतीत होता है कि वो भक्ति में विचलन करने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी
की सेवा में लगे हुए भगवान की सेवा में और साक्षात्कार है तो इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जिस अवस्था में भक्ति बद्ध अवस्था में है और प्रयास कर रहे धीरे धीरे तो थोड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको इग्नोर करें परिस्थितियों को और आगे बढ़ते रहें। तो उस स्तर पर जाने के लिए तो अभी बीच में जो संघर्ष की स्थितियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो तो हमें दिखेगी, कैसे मतलब व्यवहारिक नहीं दिख रहा है कि हम इसको इग्नोर करें आगे। तो ये जो मैंने श्लोक बताया था भीष्म पितामह का, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्थम क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय, कि इतने कष्ट आए हैं, इतना अन्याय हुआ है कि जीवित ही नहीं रह सकते थे, लेकिन विप्र धर्माच्युताश्रय, वैष्णव धर्म के नियम और भगवान कृष्ण उनके आश्रय में रहेंगे तो फिर निकल जाएंगे। जब हम कहते हैं कि हमें दुख की परवाह नहीं करना है, परिस्थिति की परवाह नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ इम्प्रैक्टिकल करना है। जैसे कि कई बार उदाहरण आता है कि मैं कार चला रहा हूँ तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, राइट की परवाह नहीं है, लेफ्ट की परवाह नहीं है, आगे की परवाह नहीं है, पीछे की परवाह नहीं है, मैं तो सेवा करने के लिए निकल गया हूँ, एक्सीडेंट करके भी आ जाऊँगा लेकिन सेवा करके आऊँगा। वो इस तरह से अव्यवहारिक बात नहीं हो रही है। जब सेवा करते हुए सावधानी से, बोलते हैं बंदो मोही सावधान मते, कि गुरु के चरण हम सावधान पूर्वक उनकी पूजा कर रहे हैं, तो सावधानी रखते हुए आसपास के भौतिक जगत में कैसे व्यवहार किया जाता है, क्या मर्यादाएं होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम सेवा करते हैं तो दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, कुछ ना कुछ अन्याय होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, उस समय भी हमको चलते जाना है। ये इसका उद्देश्य। ऐसे भी सुनते हैं कि 16 माला चाहना है पर्याप्त है अमरनाथ जाने के लिए, और अभी ऐसी परीक्षाएं तो ये निश्चित रूप से नहीं हुई, और फिर उस स्टेटमेंट लग जाएगी तो भाग गए मैं बैंकोर साइड पर करवा दूँ। तो 16 माला और 4 नियम से भगवत धाम जाएंगे। तो जो 16 माला करना है वो शुद्ध नाम करना है। शुद्ध नाम मतलब निरअपराध होकर नाम करना है। तो एक अपराध है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, वो अपराध है। तो गुरु हमें कोई आदेश दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन आदेशों की हम अवज्ञा कर रहे हैं, उस आदेश को हम सस्ते में ले रहे हैं और फिर 16 माला कर रहे हैं। तो उस 16 माला का, चाहे 16 हो जाए, फिर 64 हो जाए, 192 हो जाए, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम में पोटेंसी नहीं है, लेकिन उस पोटेंसी को हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम गुरु के आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं। तो 16 माला करना है निरअपराध होकर और 4 नियमों को पालन करना है तो यस भगवत धाम जाएंगे। तो उस 16 माला को क्वालिफाई करना है कि कौन सी माला जिसमें किसी भी तरह का अपराध नहीं है। तो 10वां नाम अपराध है, भगवान नाम की महिमा सुनने के बावजूद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। तो भगवान नाम आप लिए जा रहे हैं और फिर क्या हो गया, भौतिक आसक्ति भी है, उसको भी पानी दे रहे हैं, उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा। फिर 16 माला, वो जो 16 माला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो 16 माला नहीं हुई, वो एक कुछ माला हुई, कुछ पुण्य हुआ, कुछ औपचारिकता हुआ, सब मिक्स हुआ। तो इसीलिए वो 10 नाम अपराधों से बचकर 16 माला करना, और गुरु की आज्ञा में बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी। ओके, तो यहाँ विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय।